हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्राइम एंड पॉलिटिक्स। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोशल इशूज़ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आइए पहले देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत ही अच्छे डिसीजन लेकर आती है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक पार्टी को ये निर्देश दे कि जिन पे भी क्रिमिनल यानी आपराधिक मामले चल रहे हैं उनको इलेक्ट ना होने दें। चलिए अब देखते हैं इसके पीछे की कुछ बातें। हाल ही में ये पता चला है कि 46% MPs यानी कि जो सांसद हैं उन पर क्रिमिनल यानी कि आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये प्रतिशत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत ऐसे भी केसेस हैं जैसे मानहानि के, लेकिन वहीं 29% लगभग ऐसे भी हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं जो कि पिछले लोकसभा के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो चलिए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ अच्छे जजमेंट्स। 2002 से ये अनिवार्य हो गया कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है उसको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें उनके पिछले सभी आपराधिक मामले बताने होंगे। इसी साल एक आदेश जारी हुआ कि अब से नोटा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि राजनीतिक पार्टियां किसी भी को भी टिकट देने से पहले सोचें। नोटा आपने देखा होगा इलेक्शन मशीन में लास्ट में एक बटन होता है जिसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी भी अगर पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप ये बटन दबा सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं। 2013 में एक डिसीजन आया जिसके मुताबिक अब किसी भी विधायक को कानूनी मदद नहीं मिलेगा और तुरंत आयोग अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसे ही 2014 में एक और डिसीजन आया जिसके मुताबिक अब एक साल के अंदर उन विधायकों पे जो कि तत्काल में हैं उनके केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी और उन पर निर्णय भी जल्दी लिया जाएगा। उसी तरह 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और ऐसे मामलों को निपटाया जाए। राजनीतिक दलों को 2018 में निर्देश दिया गया था कि उनके अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को पब्लिश करें पर उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई थी। आइए कुछ घटनाक्रम देखते हैं। 2016 में 5 जजेस की बेंच ने ये निर्देश दिया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग को अपने आपराधिक मामलों का विवरण देना होगा। चुनाव आयोग पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो इलेक्शन सिंबल आर्डर 1968 और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अमेंड नहीं कर रहा है और इसी वजह से जो भी लीगल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो नहीं मिल सकते। एक दलील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसे कैंडिडेट के लिस्ट किसी भी न्यूज़पेपर या चैनलों को साझा नहीं करता और ना ही ये बताता है कि ये लिस्ट साझा करने के लिए कितना समय लगेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक फ्रेमवर्क मांगा है जो कि उन्हें एक हफ्ते के अंदर देना होगा जिससे आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों की जानकारी मिलेगी और इसी तरह समयबद्ध तरीके से ऐसे परेशानियों से निपटा जा सकेगा। तो आइए उसके कुछ सजेशन देख लेते हैं। ऐसे कानून लाने होंगे जिससे ऐसे कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिन पे आपराधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको पार्लियामेंट को लेना होगा ताकि RPA यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड करके ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जबकि आपराधिक उम्मीदवारों के विरोध में न्यायिक घोषणाएं ज़रूरी हैं।
हमें लोगों को जागरूकता फैलानी होगी ताकि वे राजनीति में हिस्सेदारी ना लें, जिससे कि सही उम्मीदवार भाग ले पाए और राजनीतिक अपराधियों से बचा जा सके। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय।